हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के हैं और ये मैथ्स के न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि मेरा फोकस अभी सिर्फ मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ही है। पैडागॉजी नहीं करा रही मैं, सिर्फ आपको मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ। और ये जो पेपर है वो जुलाई 2019 का है। सीटेट जो जुलाई में हुए थे 2019 में, ये वो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करी क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18:3/4। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा है ये मिक्स फ्रैक्शन में 18:3/4, इसमें कितने क्वार्टर्स बनेंगे। क्वार्टर्स का मतलब होता है किसी भी होल पार्ट का 1/4। कोई आपको कंप्लीट चीज़ दे रखी है और आपने उसका 1/4 निकाल लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक सर्कल है और आपने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने 1/4 बनेंगे, 1, 2, 3, 4, तो इस पूरे सर्कल में आपको 1/4 कितने पार्ट बनेंगे, 4, टोटल 1/4 पार्ट बनेंगे। ठीक है, बट हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस क्वेश्चन में कितने आपको क्वार्टर्स बनेंगे, कितने इसके 1/4 पार्ट हो सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। 18 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 से, और जो ऊपर दे रखा है उसे प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4। 18 × 4 = 72 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 75/4। अब आपको बताना है कि 75/4 में कितने 1/4 पार्ट हैं। वैसे तो आप इसे डायरेक्टली देख के ही बता सकते हैं, वो कैसे, देखिए 7/4 इज इक्वल टू 1/4 × 75। तो इसमें जो ये 1/4 पार्ट है, कितने टोटल नंबर 1/4 बने, 75। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 75/4 लिखना है, 75/4, और डिवाइड करना है 1/4 से, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ 1/4 पार्ट निकालना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 75/4, ये डिवाइड का साइन है, इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1। 4 से 4 कैंसिल और आपका आंसर आ गया 75। वैसे आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 39/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। इन आई स्कूल हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, 1/4 प्ले वॉलीबॉल, 1/8 प्ले टेनिस, 1/16 प्ले चेस एंड द रिमेनिंग गो फॉर द स्विमिंग। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग वॉलीबॉल इज 160, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले चेस। किसी स्कूल में ये सारे गेम्स जो इसमें दिए हुए हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बैडमिंटन में 1/4 कुछ बच्चे जो हैं वो बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करते हैं, हाफ और 1/4 टोटल का 1/4 जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉलीबॉल में, 1/8 टेनिस में, 1/16 चेस खेलते हैं, और नेक्स्ट जो हैं और जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो स्विमिंग में जाते हैं। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्ले चेस, हमें चेस के स्टूडेंट्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स चेस खेलते हैं। अभी तो इसमें सिर्फ हमें कैसे दे रखा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है कि 1/16 जो बच्चे हैं वो चेस खेलते हैं, बट हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताने हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो पहले हमें गिवन दे रखा है उसे हम सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्लेइंग वॉलीबॉल इज़ 160। 160 गिवन है किसका, वॉलीबॉल का, और 1/4 वॉलीबॉल का, इसे सॉल्व करेंगे। 1/4 हमें 160 गिवन है और हमें क्या निकालना है, 1/16। तो कैसे निकालते हैं, 1/16 का 1/4 गिवन है और हमें निकालना है 1/16। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4। 4 से ये कट जाएगा, 4 × 4 = 16। इसे सॉल्व करेंगे, 4 × 4 = 16, 0। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो चेस खेलते हैं वो हैं 40।
तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड, नंबर ऑफ चेस प्लेयर इज 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दीपा गोज टू द पोस्ट ऑफिस टू द पोस्ट लेटर पार्सल, द पोस्टल रेट डिपिक्टेड एज बिलो। दीपा को कुछ चीज़ें पार्सल करनी है, उसमें कुछ लेटर्स हैं और कुछ पार्सल्स हैं, और उनके चार्जेस भी इसमें गिवन है कि अगर वो इतना वेट कहीं सेंड करेगी या पार्सल करेगी तो उसको कैसे पे करना पड़ेगा, वो भी इसमें गिवन है। तो उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अगर दीपा ने दो पार्सल भेजे हैं जिनका वेट, फर्स्ट का वेट 250 ग्राम है और दूसरे का वेट 300 ग्राम है, फर्स्ट पार्सल 250 ग्राम और जो सेकेंड है वो 300 ग्राम है, और उसने दो लेटर्स भी सेंड किए हैं, एक 20 का है, 20 ग्राम का, और जो नेक्स्ट वाला है वो कितना दे रखा है 35। दो उसने पार्सल सेंड किए हैं और दो उसने लेटर्स पोस्ट किए हैं, तो हमें उनके पोस्टल चार्ज बताने हैं, टोटल पोस्टल चार्ज कितने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अगर सबसे पहले हमें दे रखा है पार्सल वेटिंग, अगर उसका वेट 50 या उससे कम है तो उसको सिर्फ 5 रुपये चार्ज लगेगा, बट एवरी एडिशन ऑफ 15 ग्राम, अगर 50 ग्राम से ज़्यादा है तो हर 50 ग्राम वेट बढ़ाने पे उसे 3 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि उसका वेट है कितना टोटल, 250 ग्राम्स हैं, 250 को हम पहले सॉल्व करेंगे, 250 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 200, और 300 को हम कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 300। अब मैं सॉरी 250 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 350 नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे 250। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर उसका वेट 50 है तो उसे 5 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो इसके लिए उसे 5 रुपीज़ देने हैं, बट यहाँ पे 200 है, मतलब 50 से ज़्यादा हो गया, 50 से ज़्यादा होगा तो उसे 3 रुपये पे करने पड़ेंगे, 3, और इस 200 में 4 टाइम्स 50 आ रहा है, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसके साथ भी ऐसा ही, 50 के लिए हमें 5 लेना है, और 250 के लिए 250 में 5 टाइम्स 50 आते हैं, तो 5 into 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, 5 लिखेंगे, 4 into 3 12, टोटल आ गया 17। दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे, 5 plus 5 into 3 15, अब इन्हें ऐड कर देंगे 20 17 और 20 37। तो हमारा ये जो वेट निकला है वो सिर्फ पार्सल का वेट निकला है, अभी पार्सल का टोटल वेट कितना हो गया 37, बट हमें अभी लेटर का भी वेट निकालना है कि लेटर का कितना वेट होगा। ये समझ में आया आपको, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, 250 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 50 प्लस 200, वो इसलिए क्योंकि 50 अगर उसका वेट होगा तो उसे सिर्फ 5 रुपीज़ पे करने हैं, बट अगर एवरी एडिशन ऑफ 50 ग्राम्स तो उसे 3 रुपये पे करने हैं, इसीलिए मैंने इस 200 को अलग से लिखा है। तो इसके लिए हम 3 रुपये पे करते हैं, और इस 200 में 4 टाइम्स 50 बनेंगे। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस 200 को 50 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 20 मीन्स 200 जो है उसमें 4 टाइम्स 50 बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 4 लिया है और 3 इसका चार्ज है, और इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आया है 70। सेम इसको भी मैंने ऐसे सॉल्व किया है, उसका आंसर आया 20, इन्हें सॉल्व कर दिया पूरा टोटल ऐड करके, तो इसका आंसर आया 37। तो जो पार्सल का वेट है वो सिर्फ 37 निकला है, अब हम लेटर्स का भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं लेटर का वेट कितना आता है। लेटर्स के लिए क्या है, लेटर्स उसने दो सेंड किए हैं, एक 20 ग्राम का और एक 35 ग्राम का, 20 ग्राम और उससे लेस के लिए उसे 5 रुपये पे करने हैं, तो इसमें तो कुछ एडिशन करना ही नहीं है हमें, क्योंकि तो पहले से ही 20 है,
और 20 के लिए हमें कितना पे करना पड़ता है, 5 रुपीज़, तो ये 5 ही रहेगा अभी। बट 35 वाले केस में हम क्या करेंगे, 35 को पहले हम सही से लिखेंगे 5, थर्टी फाइव को लिखेंगे 20 प्लस आगे लिखेंगे 50, देखिए कैसे 20 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो फर्स्ट वेट है इसका 20 से अगर ज़्यादा होगा तो उस पर चार्जेस लगेंगे, तो इसलिए 20 है, तो ये तो पहले 20 ही रहेगा प्लस, और कितना चार्ज हो रहा है इसका, 15 एक्स्ट्रा है, तो 20 पे तो उसे इतना ही पे करना पड़ेगा, कितना 5 और 15 एक्स्ट्रा, ये तो 20 के लिए था बट एक्स्ट्रा के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, 2 रुपीज़, एडिशन ऑफ पर एवरी एडिशन ऑफ 20 ग्राम, तो उसे 2 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, तो उसे 2 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो हम टोटल लेटर का चार्ज निकालेंगे कि इस पर पोस्टल चार्ज कितना होगा, एक तो ये था 5 और ये 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 7 12, और टोटल चार्ज कितना हो गया, पहले जो हमने निकाला था वो था 37, 37 प्लस 12 9 और 4, टोटल चार्ज हो गया 49, तो देखिए इसका कौन सा आंसर राइट होगा, इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट, डिजिट्स 2, 3, 4, 6, 8 आर अरेंज इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर्स आर आफ्टर एडिशन इज, ये नंबर्स आपको गिवन है बट यहाँ पे ब्लैंक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको 6 तो ब्लैंक्स ही रखे हैं और नंबर्स आपको से 5 दे रखे हैं, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इसमें एक नंबर नहीं है 7, तो वो आप अपने आप से ले लो, 7 भी आपको इंक्लूड करना है इसमें, और हम इस नंबर को इस तरीके से करना है कि जब एडिशन हम करेंगे तो वो लार्जेस्ट नंबर बनना चाहिए, इन नंबर जितने भी हमें ऑप्शन में नंबर दे रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लार्जेस्ट नंबर है, जो भी इसमें आपको सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, उसको आपको फर्स्ट प्लेस पर लिखना है, 100th प्लेस पे लिखना है, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8, तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे, सेकेंड नंबर जिसमें मिसिंग है वो है 7, उसे हमें यहाँ लिखना है, अब है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 6, 4, अब जो लेस 3 और 2, क्योंकि आप जब नंबर स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ से बोलते हो उसे, अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होगा तो ऑब्वियस है कि वो नंबर ग्रेटर ही होगा, बट यहाँ पे तो लेस होता है, तो इसीलिए जो भी नंबर हमने रखे हैं बड़े वो हमने सबसे लास्ट डिजिट पे रखे हैं, और सबसे लास्ट डिजिट में क्या है, 1, 10, 100, 100th प्लेस तक है, तो हमने 100th प्लेस में सबसे ग्रेटर वैल्यू रखी है 8 और 7, अब इन्हें ऐड कर देंगे, जो आंसर होगा हमारा वो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी, तो एडिशन करने पे क्या आएगा, ऐड कीजिए और बताइए कि क्या आएगा इसका आंसर, जब आपने 8, 7, 6, 4 और 3, 2 को ऐड किया, इसका आंसर आएगा क्वेश्चन ऑप्शन 4, आप ऐड करके देख लेना, इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर बिकम्स इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज डबल, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 43, रीड द फॉलोइंग रेलवेज टाइमिंग ऑफ द न्यू दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो एक ये रेलगाड़ी है जो कि न्यू दिल्ली से लेके चेन्नई तक जाती है, और आपको इसका टाइमिंग भी दे रखा है, और जिसमें आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा आंसर सबसे राइट होगा, तो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू नागपुर इज़ 11 आवर्स 30 मिनट्स, जब हम न्यू दिल्ली से नागपुर जाते हैं
तो जाने में 11 आवर्स और 30 मिनट्स लगते हैं। न्यू दिल्ली ये है और नागपुर पहुंचने में इतना टाइम, इनमें से माइनस करके देखो आप क्या आ रहा है। अगर 11 आवर्स 30 मिनट्स आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। सेकेंड है द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी फ्रॉम भोपाल टू चेन्नई इज़ 21 आवर्स 40 मिनट्स। सेकेंड हमें क्या करना है, दूसरा देखना है ये कहाँ की जर्नी है, भोपाल टू चेन्नई, भोपाल से स्टार्ट होती है और चेन्नई, भोपाल से चेन्नई, इसमें से माइनस करके देखो। तो इस सबको माइनस करके देखना पड़ेगा आपको। और अगर यहाँ पे दिया हुआ टाइम आपके माइनस करा जो है आपने उसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो वो आंसर सही होगा, बट इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ वाला है। फोर्थ वाला जब आप माइनस करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा और बाकी जो ऊपर आंसर दे रखे हैं वो रॉन्ग है। तो आप माइनस करके एक बार चेक करें, इसमें सिर्फ माइनस ही करना है इसीलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होल नंबर इज़ एडेड टू द 50 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 50। एक होल नंबर है जिसमें आपने अ होल नंबर इज़ एडेड टू द 50, हाँ आपने 50 में कोई भी होल नंबर को ऐड कर दिया। अपने होल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक जाते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50 में 5 को ऐड कर दिया, अब ये बोल रहा है सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 50, अब उस सेम नंबर को आपने 50 में से माइनस भी कर दिया। तो हमें बताना है कि ये जो टोटल आंसर है इसका रिजल्टिंग आंसर क्या होगा, आपका आपको लास्ट में क्या नंबर मिलेगा। तो देखिए एक प्लस का 5 एक माइनस का 5 कैंसिल हो जाएंगे, 50 प्लस 50 100, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 100। तो ये किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी नंबर रख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर में सेम नंबर में अगर आप एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम है साइन अलग है, तो आपको हमेशा आंसर 100 ही मिलेगा। नेक्स्ट इज 45, अ शॉपकीपर मेक्स 5.3 ग्राम ऑफ आलमंड, 200 ग्राम ऑफ रेसिन, 2.2 kg ऑफ कैचेस एंड अ पैक द मिक्सचर इक्वली इनटू द 2 dozen पैकेट्स, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ईच पैकेट। एक शॉपकीपर है जिसने इन सारे चीज़ों को मिक्स कर दिया है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स उसने दे रखे हैं उसने इन सबको मिक्स कर दिया, 5.3 kg बादाम, रेजिन 201 grams और ये 2.2 kg ऑफ कैचेस, इन सबको उसने मिक्स कर दिया है। तो जो आपका आंसर दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है और बट ये जो क्वेश्चंस हैं वो केजी में दे रखे हैं। अब ये बोल क्या रहा है, इन सबको मिक्स सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद उसने पैक किया है, इक्वली पैक किया है, कितने में, 2 दर्जन पैकेट्स में। तो सबसे पहले 2 दर्जन पैकेट्स में कितने बनेंगे उसके, टोटल 24 पैकेट्स बनेंगे, मतलब इन सबको मिक्स करके उसने 24 पैकेट्स बनाए हैं जिसमें उसने इक्वली ड्राई फ्रूट्स को पैक किया है। तो हमें ये बताना है कि जो एक उसका पैकेट है उसमें कितना वेट उसने फिल किया है, अगर उसके पास टोटल इतने सारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको मिक्स करने के बाद उसने एक पैकेट में कितना वेट कैरी किया है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे, सबसे पहले ये जो किलोग्राम्स में दे रखे हैं इन्हें हम ग्राम में चेंज करेंगे क्योंकि हमारा आंसर ग्राम में दे रखा है। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 kg में 1000 grams होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटेगा 10 1070 कैंसिल, ये हो जाएगा 5300। नेक्स्ट 2.20 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हो जाएगा 2200। और जो नेक्स्ट है 2100 ग्राम, तो पहले से ग्राम में उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इन सबको एडिशन करेंगे, किस किस का, 5300 5300, नेक्स्ट हमारा 200 2100, 2.2 kg को चेंज किया 2200, अब इन्हें ऐड कर देंगे 0069। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स बनाने हैं, ये टोटल वेट है, टोटल वेट को उसने कितने वाला हमने सॉरी 24 लिखेंगे यहाँ पे, एक दर्जन नहीं 2 दर्जन है हमारे पास, 24 से इसे कैंसिल करेंगे, डिवाइड कीजिए 24 को 96 से, तो ये कितनी बार में जाएगा,
ये जाएगा 4 बार में, 24 4 96, 20 है वो, 20 यहाँ आ जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 45 का फोर्थ। तो उसने एक पैकेट में कितना वेट भरा है, 400 ग्राम्स, एक पैकेट में उसने 400 ग्राम्स ड्राई फ्रूट्स को पैक किया है। नेक्स्ट, अ बीकर इज 3/7 फिल विद द वाटर। एक बीकर है, बीकर ऐसा कंटेनर जैसा है जिसमें 3/7 वाटर फिल है। 3/7 का मतलब है कि उसने टोटल पार्ट हमें 7 दिया है और उसका 3 पार्ट जो है वो पानी से भरा हुआ है, ऐसे इतना पार्ट पानी से भरा हुआ है जो कि 3 पार्ट है टोटल का, और ये जो 4 है ऊपर, क्योंकि 3 में से 4 गया 7 गया, अगर आप 7 में से 3 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा, मीन्स उसका 4 पार्ट जो है वो अभी भी खाली है। तो इसने आगे क्या बोला है, अनदर 16 लीटर ऑफ द वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर। उससे और 16 लीटर पानी चाहिए इस बीकर को फिल करने के लिए, इतना तो उसने फिल कर दिया है जो कि 3 के बराबर है। अब आपको बताना है ये 4 तो 16 के इक्वल दे रखा है, तो ये जो बीकर है पूरा उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब उसमें टोटल कितना पानी हम भर सकते हैं। जो खाली है पार्ट वो कितना था, 4, जो कि हमें दे रखा है 16 के बराबर, और हमें क्या निकालना है, टोटल दे रखा है हमें कितना, 7 निकालेंगे, 16/4 × 7, 4 4 = 16, 4 7 = 28। तो बीकर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 28 लीटर। उस बीकर में हम टोटल कितना पानी फिल कर सकते हैं, 28 लीटर। कैसे निकाला था मैंने कि अगर जो खाली वाला पार्ट है वो 16 के इक्वल हमें गिवन है, तो जो टोटल पार्ट होगा वो कितना होगा, 16/4 × 7, 4 4 = 16, 4 7 = 28। इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आया था सेकेंड। नेक्स्ट, 47th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर। देखिए आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है जो कि सारे डेसिमल में ही हैं, और इसमें 3 और 5 के अलावा और 0 और कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कम होना, तो हम हमेशा कम कैसे होते हैं, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाते हैं, तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो फर्स्ट प्लेस पर हमेशा सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए, 1 2 3, इन तीनों में ही सबसे बड़े नंबर पहले दे रखे हैं 30.5, बट ये जो थर्ड वाला है इसमें नहीं दे रखा 30, तो ये थर्ड वाला तो पहले ही रॉन्ग हो गया। तो हम इन तीनों को चेक करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, 30.5 सबसे बड़ा नंबर पहले है, ठीक है, 3.50 आगे देखेंगे नंबर, सही है, क्योंकि डेसिमल से पहले हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे नंबर दे रखा है 3, सही है, डेसिमल से पहले 3, और डेसिमल के 5 बाद जो नंबर है, अब उनमें देखिए यहाँ पे 0.5, यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे 0.05, यहाँ पे 0.355, 2 बार हमें 5 दे रखा है। तो आपको बताना है कि अगर 30.5 है तो उसके बाद हम कौन सा नंबर रखेंगे तो वो सबसे सूटेबल होगा। तो इसमें जो गलती है वो क्या है, 3.50 सही रखा है, 3.05, ये जो नंबर है 3.005 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, हाँ 0.355, ये नंबर सबसे छोटा है। क्यों, क्योंकि बाकी सारे जो नंबर हैं उसमें डेसिमल से पहले भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इन सब में डेसिमल से पहले 3 है, बट जो ये वाला नंबर है इसमें डेसिमल से पहले 0 है, तो ये नंबर सबसे छोटा है हमारा, और ये सबसे लास्ट में भी दे रखा है। हम आगे चेक करेंगे, 3.005, ये नंबर छोटा था, इसे बाद में देना चाहिए था, बट इसने ये वाले को बाद में दिया है, इसीलिए पहला वाला गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, इसमें क्या दे रखा है, सेकेंड देख रही हूँ मैं अभी, 13.5 ये तो सही दे रखा है मैं,
बट आगे क्या गलती कर रखी है इसमें, हमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है कि अगर 30.5 से सबसे इसके बाद जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा। 0.5 से बड़ा 0.55 भी होता है, 50 भी बड़ा होता है, 55 भी, ये तो सबसे छोटा है क्योंकि इसमें डेसिमल से पहले नंबर नहीं दिया हुआ, तो ये तो सबसे छोटा ही रहेगा। हमें 0.5 से पहले 55 लेना था, इसलिए सेकेंड वाला ये भी रॉन्ग है, और थर्ड वाला तो रॉन्ग है ही क्योंकि उसमें तो छोटा ही नंबर दे रखा है, 30 तो है ही नहीं। अब हम फोर्थ वाला चेक करेंगे, 30.5 सही है, 13.50 ये भी सही है, 13.055 इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे यहाँ 0.5 है, इसके बाद भी 5 है और यहाँ पे सिर्फ 0.5 है, इसीलिए ये वाला सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का वो क्या होगा, फोर्थ। 47 का फोर्थ जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट नंबर एम आई, आई एम अ टू डिजिट इवन नंबर, आई एम अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4, 6, आई हैव 9, टोटल 9 फैक्टर्स। हमें नंबर बताना है और हमें हिंट दे रखी है ये सारी, क्या क्या हिंट दे रखी है आपको कि वो एक टू डिजिट का नंबर है, इसके कॉमन मल्टीपल 3, 4, 6 हैं, उसके टोटल फैक्टर्स 9 हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हमें ऑप्शन में गिवन है वो टू डिजिट के हैं। तो पहला वाला, तो पहले वाले से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, हम सेकेंड वाला देखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4, 6। 3, 4 और 6 वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3, 4, 6 तीनों का कॉमन मल्टीपल हो, मतलब 3 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी हो, 6 का भी हो। तो ये जितने भी आपको नंबर गिवन दे रखे हैं ये सारे कॉमन मल्टीपल सब में आते हैं। 3 के टेबल में 24 भी आता है, 3 से 48 भी डिवाइड होता है, 3 से 36, 3 से 56 पे, 4 के साथ भी सेम कैसे हैं, 24 आता है, 48, 36, 56, 6 के साथ भी सेम है। तो ये सेकेंड वाले से भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अब हम लास्ट वाला चेक करेंगे, फैक्टर्स, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं किसके, 24 के फैक्टर हमें बताने हैं। सबसे पहले हम 24 के फैक्टर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 24, 12, 8, 6। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बट इसने 9 बोले हैं, तो ये हमारा आंसर फर्स्ट वाला तो होगा नहीं। अब हम नेक्स्ट वाला चेक करेंगे, ये नहीं है, 36 चेक करेंगे और देखेंगे कि ये जो है करेक्ट है या नहीं, इसके 9 फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 36 क्या क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर्स, 1, 2, 3, 4, 1 के साथ 36, 2 के साथ 2 into 2, 2 into 16, और 21 का फैक्टर होता है 6। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके टोटल नंबर फैक्टर्स 9 हो गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 36 होगा। बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन क्वेश्चंस में मल्टीपल ऑप्शन हमें नहीं दे रखे, तो यही वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट, आशा प्लान्स टू सेव सम मनी फ्रॉम द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, एवरी वीक शी सेव्स 50 rupees ऑन मंडे, 100 ऑन वेडनेसडे एंड 80 rupees ऑन फ्राइडे एंड स्पेंड 60 फ्रॉम दिस ऑन संडे। हाउ मच मनी, हाउ मैनी वीक्स वुड शी टेक टू सेव इनफ टू बाय अ मोबाइल फ़ोन ऑफ 5,950। आशा क्या कर रही है, कुछ पैसे बचा रही है ताकि वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद सके, कुछ सेविंग्स कर रही है। मंडे को उसने 50 रुपये बचाए, बुधवार को 100 और फ्राइडे को उसने 80 रुपये बचा लिए, बट उसने संडे को क्या किया, उसने संडे को 60 रुपये ख़त्म भी कर दिए। तो आपको बताना है उसे कितने वीक्स लगेंगे पैसे इकट्ठे करने में ताकि वो अपना ऐसा फ़ोन ले सके जो कि 5,950 रुपये का आता है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए इसने सेविंग्स कितने की 1 वीक में, 50, 100 प्लस 80, इन्हें ऐड कर दीजिए,
आएगा 230, और फिर इसने संडे को 60 रुपीज़ इसमें से उड़ा भी दिए, ख़त्म कर दिए, तो कितने बचे 170। मतलब वो एक वीक में 170 रुपीज़ सेव कर दिए, क्योंकि इसने 60 रुपये ख़त्म कर दिए, तो उसने सिर्फ 170 रुपये बचाए, वो भी सिर्फ 1 वीक में। और उसे बचाने कितने हैं 5950, इतने रुपए बचाने से तो उसे कितने वीक्स लग जाएंगे 5950 रुपीज़ बचाने के लिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे 1/170 इंटू 5950, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 7351 एंड आगे 7535। तो उसे कितने नंबर ऑफ वीक्स लगेंगे 5950 रुपीज़ बचाने के लिए, उसे लगेंगे टोटल 35 वीक्स। तो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा, उसे कितना टाइम लगेगा 35 वीक्स लगेंगे, अगर वो 1 वीक में 170 रुपीज़ बचा लेती है, 1 वीक में 170 बचाती है, तो टोटल नंबर ऑफ वीक्स उसे कितने लगेंगे 35, जिसमें वो इतने रुपए बचा के अपना नया फ़ोन ले सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर देन हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर बिकम्स इफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज डबल। ये बोल रहा है आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर ले लिया आपने 10 सेंटीमीटर उसकी साइड दे रखी है, अगर आपने इसका पैरामीटर निकाल लिया तो 4 × 10 = 40। तो ये तो ख़त्म हो गया कि एक स्क्वायर था उसके मैंने पैरामीटर निकाल लिया 40 आ गया। अब वो बोल रहा है इफ़ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज़ डबल, अगर मैं स्क्वायर की साइड को डबल कर दूँ, मतलब मैंने 20 कर दिया, वैसे रेक्टेंगल दिख रहा है, हाँ स्क्वायर है और उसकी साइड मैंने डबल कर दी, पहले 10 थी अब 20 हो गई, तो अगर उसकी साइड डबल कर दिया आपने और अब उसका आप पैरामीटर निकालोगे तो क्या होएगा 4 × साइड 80, पहले 40 था अब 80 हो गया, कितने टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। तो यही पूछा था कि अगर आपने इसकी साइड डबल कर दी तो उसका जो पैरामीटर होगा वो कैसे हो जाएगा, तो वो भी डबल हो गया, तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा सेकंड 2 टाइम्स। नेक्स्ट इज 72 28 36 4, और आपको ये ब्लैंक फिल करना है, द नंबर इन द ब्लैंक इज, सबसे पहले तो आपको इस ब्लैंक में नंबर फिल करना है कि वो नंबर क्या होगा, इसके लिए पहले आपको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको क्या, एक तो बहुत लॉन्ग मेथड है कि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे अच्छा आप एक सिंपल सा इजी सा मेथड देखो, ये जो नंबर आपको नहीं पता जो आपको बताना है आप उसे एक्स कंसीडर करो और 72 28 और आपको जो इधर नंबर्स दे रखे हैं 36 और 4, उन्हें यहाँ पे लाके डिवाइड करो, क्योंकि बीच में इज़ इक्वल टू का साइन है और अगर आप उनकी साइड चेंज करोगे तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएंगे, आप इन्हें डिवाइड करेंगे 7 × 4 = 28, 12 × 3 = 36, 12 × 6 = 72, 3 × 2 = 6, 2 × 7 = 14, 14 आंसर आ गया। चलो आपका ब्लैंक फिल हो गया अभी फ़िलहाल कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा 14, बट अब आपको सिर्फ ये बताना नहीं था कि यहाँ पे आएगा क्या, आपको बताना है कि अगर ये 14 है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इज इट द मल्टीपल ऑफ 7, क्या ये 7 का मल्टीपल है, यस 7 के टेबल में आता है 7 × 14। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, अ प्राइम नंबर, 14 इज़ अ प्राइम नंबर, नहीं 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, और 14 का सिर्फ 2 फैक्टर तो कोई है ही नहीं, इसके 1, 2, 7, 14, इसके तो 4 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आएंगे हम, अ नंबर इज़ लेस देन 10, तो कौन कौन से ऑप्शन आपके
रॉन्ग हो रहे हैं उन्हें रॉन्ग करते जाओ। ये रॉन्ग है। नंबर इज़ लेस देन 10, ये भी गलत है। इवन नंबर, ये सही है। ए और डी सही है। तो आप देखो ए और डी किस किस ऑप्शन में आपको सही दे रखे हैं। ए और डी आपको सेकंड में सही दे रखा है, फोर में सही दे रखा है, इन दोनों में तो दे ही नहीं रखा। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, बस आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर राइट होगा। और फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, बी इज़ अ प्राइम नंबर, कि 14 एक प्राइम नंबर है, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन गलत होगा, सेकंड सही होगा। तो 53 का जो सही आंसर है वो सेकंड। क्यों? क्योंकि इस वाले में जो फोर्थ में आपको दे रखा था कि ये प्राइम नंबर है, इसके वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, और ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए थे। तो जो करेक्ट आंसर बचा वो बचा सेकेंड। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड। नेक्स्ट, वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टीचर ऑफ द क्लास थर्ड नीड टू फॉलो द एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टर 1/4 टू द स्टूडेंट। राइट द सिम्बल ऑफ द क्वार्टर ऑन अ ब्लैक ग्राउंड ब्लैक बोर्ड। अभी बोल रहा है कि क्लास थर्ड के एक टीचर है जो कि पढ़ा रही है अपने बच्चों को, और उन्हें क्वार्टर का कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को समझाना है, क्लास के बच्चों को। तो उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा अगर आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं? सबसे पहले वो क्या करेंगी, ब्लैक बोर्ड पर जाएंगी और क्वार्टर का सिंबल बना देंगी। फॉर एग्जांपल वो गई और उन्होंने एक सर्कल बनाया, उसके फोर पार्ट्स किए और उन्होंने बता दिया कि ये जो एक पार्ट है इसके मैंने फोर इक्वल पार्ट्स कर दिए, और ये ईच पार्ट क्या है, 1/4। एक तो ये ऑप्शन उनके पास। दूसरा, प्रोवाइड द कंक्रीट मटेरियल एंड द डिवाइड इनटू द क्वार्टर्स। कंक्रीट मटेरियल्स वो होते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं, जिन्हें वो छूकर और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। तो सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो कंक्रीट मटेरियल से पढ़ा रही हैं, उनके हाथों में दे रही हैं, उन्हें दिखा रही हैं और अच्छे से समझा रही हैं। थर्ड है, शो द पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग क्वार्टर्स। उन्हें ऐसे पिक्चर्स दिखा रही हैं जो क्वार्टर को डिफाइन करते हैं, या जिनसे वो क्वार्टर्स को समझ सकते हैं कि क्वार्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे जो थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और उन्हें हमें कंक्रीट मटेरियल से ही पढ़ाना चाहिए, मूर्त चीज़ों से पढ़ाना चाहिए जिन्हें वो देख सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड तो यही होता है। तो बी वाला ऑप्शन तो सही होगा। सीक्वेंस में अगर हम देखें तो बी जिसमें सबसे फर्स्ट पे आ रहा है वही राइट होगा। तो बी सबसे फर्स्ट में किस में आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, न इसमें आ रहा, न इसमें, न इसमें। तो सिर्फ यही ऑप्शन राइट होगा। तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा आंसर राइट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अ क्लास थर्ड स्टूडेंट्स परफॉर्म अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 16 × 25 एज फॉलोज 16 × 25 8 × 2 5 × 5। क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 16 और 25 का, और इन्होंने 16 और 25 को ब्रेक कर दिया है, 8 × 2 कर दिया 16, 5 × 5 25, और उन्होंने ब्रेक करके उसे अरेंज किया है। पहले 8 को 5 के साथ लिखा और 2 को 5 के साथ लिखा। अब हमें बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको वो फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या वो रिपीटेड एडिशन कर रहे हैं? सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं हो रहे, रिपीटेड नंबर्स भी नहीं है इसमें, सिर्फ 5 5 रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। नेक्स्ट, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन लॉ, इन्वर्स भी नहीं है, ये भी गलत। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चीज़ों को, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, ये हो रहा है एसोसिएटिव लॉ। तो जो लास्ट वाला आंसर है वो राइट होगा। नेक्स्ट 56, हाउ विल यू कैटर टू द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। अगर आपकी क्लास में या आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो सही से देख नहीं पा रहा, या इंक्लूजन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या स्पेशल चाइल्ड है वो, तो उसके लिए कैसा क्लासरूम होना चाहिए? अगर आप टीचर हो तो आप उसे कैसे पढ़ाना पसंद करोगे, या उसके किस तरीके से हेल्प करोगे ताकि उसे अच्छे से समझ में आए? फर्स्ट ऑप्शन है, सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर। क्या आप उसे स्पेशल एजुकेटर के पास भेजोगे जो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं? प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस।
क्या आप उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दोगे पढ़ने के लिए? मेक देम सिट विद द हाई अचीवर्स, या उन्हें ऐसे बच्चों के साथ बैठाओगे जिन्हें बहुत ज़्यादा आता है ताकि उन्हें भी बहुत आ जाए उनके साथ बैठने पे? वैसे ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, यूज़ अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड द रिसोर्सेज, या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज़ करोगे, रिसोर्सेज यूज़ करोगे, TLM, या अपने मेथड्स में चेंजिंग लाओगे कि उन बच्चों को भी समझ में आए और क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ भी, उनके साथ वो भी चल सके, इक्वली चल सके और आप सबको एक जैसा पढ़ा पाओ। तो अगर आप उनको भी एक साथ लेके चलना चाहते हो तो आपको अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड्स में चेंज करना होगा, नए नए रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे, TLM से पढ़ाना होगा। तो ये सबसे अच्छा मेथड है अगर आपको वीजली चैलेंज स्टूडेंट्स को और बच्चों के साथ पढ़ाना है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, 56 का फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूमेरस एंड द नंबर्स? अब न्यूमेरस और नंबर्स क्या होते हैं? न्यूमेरस किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, किसी भी तरीके से। फॉर एग्जांपल, आपने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे, उन्हें हम रोमन न्यूमेरस कहते हैं। अगर मुझे 12 लिखना है तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, वैसे ये दोनों ही सही हैं, या मैं इस तरीके से लिखूँ TWELVE। आप सबको 12 ही पढ़ेंगे, तो ये सारे क्या है, न्यूमेरल्स हैं, लिखने के तरीके हैं, सिंबल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स। तो किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम न्यूमेरल्स कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेम नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट बाई द डिफरेंट न्यूमेरल्स। येस, एक ही नंबर्स को आप कितने तरीके के न्यूमेरल्स के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने 12 का एग्जाम्पल लिया, कोई सा भी एग्जाम्पल लेके आप उसे किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। दोनों ही सही है, तो इसका कौन सा आंसर राइट होगा? सेकेंड, बोथ फर्स्ट ए एंड बी आर द राइट आंसर्स। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस? इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है? मेमोराइजेशन, एस्टिमेशन, ट्रांसपोजिशन, विजुलाइजेशन। मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन, रट्टा मारना, मेमोरी में डालना, याद करना, ऐसा कुछ मैथ्स में तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ्स में हम कभी चीज़ों को याद करके नहीं, समझ के आगे बढ़ सकते। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही रॉन्ग है, मेमोराइजेशन नहीं हो सकता। तो फर्स्ट रॉन्ग, क्योंकि हमें इसमें रॉन्ग आंसर बताना था, तो फर्स्ट वाला ही रॉन्ग है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट? इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हम अर्ली नंबर्स कॉन्सेप्ट में रिलेटेड नहीं है, अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, क्लास इंक्लूजन, या मेजरमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? मेजरमेंट, क्योंकि पहले हम इसके बारे में नहीं जानते थे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आप बता सकते हैं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।